अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क मिल गया हम लोगों को कि आगे क्या, मतलब एम्स में वो लोग बैठेंगे जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। हमारी हेल्थ पे कोई कुछ भी नहीं है कि आप कहीं भी जाओ आप जिंदा आओगे वापस नहीं आओगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अब बच्चे हमारे अगर सुसाइड कर लेंगे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है, अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। अच्छा खासा क्वेश्चन मार्क मिल गया हम लोगों को कि आगे क्या, मतलब एम्स में वो लोग बैठेंगे जो उसको डिजर्व ही नहीं करते। हमारी हेल्थ पे कोई कुछ भी नहीं है कि आप कहीं भी जाओ आप जिंदा आओगे वापस नहीं आओगे, कोई मतलब नहीं है उस चीज से। अब बच्चे हमारे अगर सुसाइड कर लेंगे हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया, क्योंकि अभी तक हमें लगता था सुप्रीम कोर्ट अपने बलबूते पे डिसीजन लेने की ताकत रखता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हाथों से चलता है, ये खुद अपने आप डिसीजन नहीं ले पा रहा है। ये कह रहा है कि छोटी चोरी हुई है, बड़ी चोरी नहीं हुई है, अगर एक छोटा सा गुनाह होगा तो उसकी सजा नहीं मिली जाएगी। कि अभी तो जो है हम सबको आइडेंटिफाई कर लिया, अगर सबको आइडेंटिफाई कर लिया तो लगातार दिन पे दिन केस बढ़ कैसे रहे हैं? केस रुक जाने चाहिए ना, कि अब आज से केस नहीं बढ़ रहे हैं, ये बढ़ क्यों रहे हैं नॉन स्टॉप? पर डे केस बढ़ रहे हैं, 150, 150, 155, अब डेली बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे तो आप कह दो कि ये गुनाह कर दो तो माफी है उसकी, तो